कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज शाम के 5:50 के उपरांत आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। जी हां दोस्तों, आप हो जाएं सावधान, पाप का घड़ा भर चुका है आपका। आप रोज रोज जी आप करते हो, लेकिन अभी देर नहीं हुआ है। यदि आप आज शाम के 5:50 के उपरांत इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे दोस्तों, आप सभी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपको सुनने में हमारी बातें थोड़ी कड़वी लग रही हो, लेकिन दोस्तों हम सच्चाई बता रहे हैं। यदि आप आज के इस वीडियो की सच्चाई को ध्यान से सुन लेंगे तो दोस्तों हम गारंटी के साथ रहते हैं कि आप सभी के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद आ जाएगा और आप इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे, दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बन जाएंगे। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए हम आपसे विषय दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, हम उन सभी के लिए सदैव ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको कभी दुख दर्द के जीवन बिल्कुल भी ना दे, दुख दर्द से हमेशा आपको भगवान दूर रखें। और इसके साथ साथ हम भी आपके लिए हमेशा सर्वगुण संपन्न महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं, ताकि आप अपने जीवन में जो गलती करते आ रहे हैं उनसे आप बाहर हो जाएं और आपकी कुंडली में जो नकारात्मक ग्रह है वह खत्म हो जाए और ईश्वर का भी आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। और दोस्तों इसके लिए हम हर रोज मेहनत करते हैं, हर रोज छानबीन करते हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आपके लिए जो आवश्यक महत्वपूर्ण बातें होती हैं वही बताते। पर दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको आगे जो बात बताने वाले हैं उसे आप कहां लगाकर ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह बातें आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहुत दिनों से आप अपने जीवन में यह गलती करते हैं, लेकिन दोस्तों अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि कुंडली में नए ग्रहण है। जन्म ले लिया खाने का तात्पर्य है कि कुंडली में ग्रह गोचर का परिवर्तन हो चुका है और मौका बहुत अच्छा है, आपका जीवन बदल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय मां दुर्गा 5 बार लिख दीजिएगा। माता दुर्गा का आशीर्वाद सीधा सभी को प्राप्त होगा। इस सच्चाई को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए तो फिर कहना जी हां। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 ऐसे बाप हैं जो आपकी राशि के जातक हर रोज करते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में ही सही, आपकी लापरवाही से ही सही, लेकिन आपके द्वारा तो होते ही हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, तो आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वह पाप है जो आप हर रोज कर रहे हैं और आपको उन पापों से बचना क्यों आवश्यक है। जी हां प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, ध्यान से देखें। ज्योतिष कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात बहुत गहरे अध्ययन और बहुत गहरी सोच के बाद आपके लिए तैयार की गई है। प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। ज्योतिष कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात आपके लिए बिल्कुल सटीक है और आपके जीवन पर आधारित है। जी हां प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ दिया, पूरा नहीं देखा तो आपको 100% पछताना पड़ेगा, इस बात का वादा करते हैं हम। जी हां प्यारे दोस्तों, इस तरीके की जानकारी पूरी YouTube पर कोई आपको नहीं देता है जितना कि हम मेहनत करने के बाद, शोध करने के बाद जानकारियां लेकर आते हैं और आपके जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल जनसेवा है, लोगों के जीवन में सुधार लाना है और कोई हमारा मकसद नहीं है। जी हां प्यारे दोस्तों, एक और बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देते हैं, तो हम आप सभी को यह जानकारी देना चाहते हैं कि हम यह हमारी टीम से कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर किसी भी कमेंट में कहीं पर भी जॉब नहीं करते हैं। यदि आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप हमें सीधे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़े या फिर हमारी ईमेल आईडी पर हमें मेल करें। हम किसी से भी फोन पर बात नहीं करते हैं, यह संभव नहीं है। प्यारे दोस्तों, आप समझते हैं, तो यदि आप किसी नंबर को देखकर उस पर फोन लगाते हैं
तो यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई धोखाधड़ी हो जाती है, तो इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। प्यारे दोस्तों, यह बताना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग दूसरों की भावनाओं से खिलवाड़ करना और उनका शोषण करना बस इसी को जीवन समझते हैं और इसी में आनंद लेना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य केवल और केवल आपकी सेवा करना है, आपको सही जानकारी देना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। हमेशा याद रखें कि जिनके साथ हो माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। चलिए प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे 5 पाप कर्म है जो आप रोज दोहरा रहे हैं, जाने अनजाने ही सही, लेकिन आप उनमें शामिल अवश्य हो रहे हैं, और आप पाप कर्मों से अब इस समय बचना क्यों आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में, आपकी राशि में जो ग्रहों की चाल है, वह आपके अनुकूल हैं। अब समय आ गया है, आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव होंगे, आपको खुशखबरी हासिल होंगे, आपको कामयाबी हम ही हासिल हो कि धीरे धीरे आपका समय बदल जाएगा। हम जानते हैं, हम देखते चली आ रही हैं कि बहुत लंबे समय से आपकी राहों में उलझे हुए हैं, तमाम तरह की परेशानियां आपको परेशान करके बैठी हैं, खास तौर से रुपए पैसे को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, कभी कभी तो आपको अपना खर्चा चलाने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और अचानक से आने वाले खर्चे आपको वक्त बेवक्त परेशान करते रहते हैं। इसी वजह से आपको कर्जा भी लेना पड़ता है, जिसे चुकाने में आपकी हालत खराब हो जाती है। जी हां प्यारे दोस्तों, हम आपकी राशि पर विशेष गौर करते हुए आपको बता रहे हैं कि आपको न केवल आर्थिक परेशानियों ने अब तक परेशान किया है, बल्कि आप मानसिक तौर पर भी काफी टूट चुके हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, कभी कभी तो आपको अपने रिश्ते नातों पर और यहां तक कि भगवान पर भी विश्वास नहीं होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह सिर्फ समय का फेर है, यह केवल ग्रहों की चाल है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप सबका भला करना चाहते हैं, लेकिन होता एकदम उल्टा है। जब आप लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं तो उल्टे आपको बुराइयां मिलती हैं, लोग आपके बारे में अनाप शनाप कहते हैं, रिश्ता बनने के बजाय बिगड़ और जाता है। प्यारे दोस्तों, बात तो यहां तक बिगड़ चुकी है कि आप जब किसी को सलाह देते हैं तो लोग आपकी सलाह सुनना ही नहीं चाहते हैं, और आपके द्वार बोली गई बातों की खिल्ली उड़ाई जाती है, मजाक उड़ाया जाता है, इससे आपका दिल टूट चुका है। लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे भले ही इंसानों ने आपकी भावनाओं की कदर ना की हो, लेकिन भगवान ने अब आपकी भावनाओं की कद्र करना शुरू कर दिया है। ग्रहों की चाल अब आपके अनुकूल होने जा रहे हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी राशि में शनि का गोचर हो रहा है, यानी आंशिक रूप से शनि का प्रभाव आपकी राशि पर आ चुका है। जी हां प्यारे दोस्तों, आपको इसके बारे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलयुग में शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म का देवता कहा जाता है। तो जो इंसान मेहनत करता है, सच्चे मन से कार्य करता है, शनिदेव उसकी हर एक इच्छा पूरी करते हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं, शनि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, याद रखना, यदि आपने अपने कर्मों में मिलावट कर रखी है, आपने अपने मन की भावनाओं में मिलावट कर रखी है, आपको सच्ची परिणाम अब किसी कीमत पर हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि अब आपके ऊपर शनिदेव की नजर है। तो इस समय आपको अपने मन और अपने कर्म दोनों को ही साफ सुथरा रखने की आवश्यकता रहेगी, तभी आप शनिदेव की शक्तियों का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। हम आपको बता दें कि आपकी राशि में शनिदेव के प्रभाव के कारण इस वक्त आप जो भी कार्य करेंगे उसका पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा, और यदि अपने कार्य में लापरवाही है करेंगे, हालत दिखाएंगे, तो उसके दुष्परिणाम भी आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यकीन जानिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलेगा, आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेंगे। तो जिन लोगों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, जो लोग आपसे दूरी बना चुके हैं, रिश्ते में आपको धोखा दे चुके हैं, आपका दिल तोड़ चुके हैं, वे लोग धीरे धीरे आपके नजदीक आना शुरू कर देंगे, आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगे,
लेकिन उस वक्त आपको सतर्क रहना है। आपको नकली प्रेम में, नकली भावनाओं में बहना नहीं है, वरना आपके साथ फिर से वही होगा जो पहले हो चुका है। बात करते हैं दोस्त, कौन से ऐसे पांच कर्म हैं या पापा आप रोज करते हैं? जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन की परेशानियों से उलझ उन्हों से इतना ज्यादा चढ़े रहते हैं, आपका मन इतना ज्यादा दुखी रहता है कि आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता रहता है, गुस्सा अंदर ही अंदर भरा रहता है, और फिर किसी ऐसे इंसान पर आपका गुस्सा निकलता है जिसकी कोई खास गलती भी नहीं है, या फिर छोटी मोटी गलती पर आप बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीन जानिए कि यह एक पाप कर्म है, यह एक बुरा कर्म है। जी हां प्यारे दोस्तों, जब आप किसी निर्दोष पर क्रोध करते हैं तो बेशक वह आपसे कुछ कह ना पाए, लेकिन मन ही मन हो, वह आपके बारे में बहुत गलत सोचता है जिससे आपको पाप लगता है, तो आपको अपने क्रोध पर काबू रखने की आवश्यकता है। इसके लिए प्यारे दोस्तों, हम आपको कि आप अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं को देखें और योग और प्राणायाम की तरफ जाएं, और यह भी नहीं कर सकते तो आप मां दुर्गा की पूजा आराधना करना शुरू कर दें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण हासिल हो जाएगा, क्योंकि माता दुर्गा तो स्वयं शक्ति का रूप है और क्रोध भी एक प्रकार की शक्ति ही है। जब आप माता दुर्गा की पूजा करना शुरू करेंगे तो आपको शक्ति पर नियंत्रण करने की शक्ति स्वयं माता दुर्गा दे देंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये प्रमाणित है और कई लोगों पर इसका प्रभाव देखा गया है। जी हां प्यारे दोस्तों, वो तो दूसरा पाप कर्म है कि आप ग्रुप में पैसे की तंगी के चलते, जी हां प्यारे दोस्तों, आप काफी लंबे समय से पैसे की तंगी के चलते परेशान हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आपकी जीवन हमेशा लगभग खाली ही रहती है, ऐसा आता भी है तो रुकता नहीं है, तो इस वजह से आप जब भी किसी को खुशहाल देखते हैं, खास तौर से पैसे की ओर से संबंध देखते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है। यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी यह भावना इस हद तक बढ़ जाती है कि आप उस इंसान की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, तब स्थिति खराब हो जाती है। जी हां प्यारे दोस्तों, यदि आपके मन में किसी के लिए गलत विचार आ रहे हैं, जलन की भावना आ रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यह इंसानी स्वभाव है, लेकिन आप जल्दी से जल्दी स्थिति पीछा छुड़ाएं, इसको पहचान जाएं, और यदि आप इस पर अमल करने लगेंगे और इसी के अनुसार बयानबाजी करेंगे, बोलने लगेंगे, तो यह पाप कर्म बन जाएगा। यह प्यारे दोस्तों के सामने वाली पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका कर्म तो खराब हो ही जाएगा, और शनिदेव आपको इस गलती के लिए माफ नहीं करने वाले हैं। याद रखना प्यारे दोस्तों, तो दोस्त इसी के साथ बात करेंगे तीसरे पाप कर्म की। ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक किसी ना किसी रूप से व्यसन से निश्चय ही जुड़े रहते हैं। जी हम प्यारे दोस्तों, में किसी ना किसी गलत आदत को हमेशा देखा गया है, यह तो हूं तंबाकू वगैरह का नशा करते हैं, या फिर वह शराब वगैरह का नशा करते हैं, या जुआ भी खेलते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी गलत आदत है आपकी राशि के जातकों के अंदर निश्चय ही पाई जाती है। और भी तमाम प्रकार की बुराइयां हैं जिनमें ज्योतिष कार्यक्रम में आपसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप स्वयं का आकलन करें तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी बुरी आदत है जिसे हम कह सकते हैं बुरी आदत कह सकते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, लगातार आपका पीछा कर रही है, आपको अपनी इस आदत को पहचानना है और उस पर नियंत्रण करना शुरू कर देना है। जी हां प्यारे दोस्तों, आप सच्चे मन से गहरी आस्था के साथ शनिदेव का नाम लेते हुए, माता दुर्गा का नाम लेते हुए अपनी इस आदत पर नियंत्रण करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपका इस आदत से पीछा छूट जाएगा और शनि देओल का आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम देंगे। अब यकीन जानिए प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी बुरे कर्म किए थे। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में एक बहुत बुरी आदत और पाई जाती है, और वह आदत है झूठ बोलने की। जी हां प्यारे दोस्तों, हालांकि आप किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आप भी चाहे अनचाहे दिन में झूठ अवश्य बोलते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप सामान्य रूप से ऐसा झूठ बोल देते हैं जिससे कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तब तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभी इस आदत के चलते चलते आप ऐसे झूठ बोल जाते हैं
जिनसे किसी के मन को पीड़ा पहुंचती है, भावनाओं को आहत होता है। इस स्थिति में आपका झूठ पाप कर्म जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात को आपको खुले मन से स्वीकार करना होगा। जी हां प्यारे दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से, खुले मन से हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए आप अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल करेंगे। यह ज्योतिष कार्यक्रम कोई साधारण ज्योतिष कार्यक्रम नहीं है। यह आपकी राशि पर आधारित है और बहुत गहरी अध्ययनों के आधार पर तैयार किया गया है। तो आप इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात को गंभीरता से समझें और जो बातें आपको आज बताई जा रही हैं, उन बातों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, अन्यथा आप बहुत बड़ी चोट खा जाएंगे, यकीन जानिए प्यारे दोस्तों। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे पांचवे पाप कर्म की। जी हां प्यारे दोस्तों, यह बहुत बड़ा पाप कर्म है जो आप जाने अनजाने कर जाते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में चल रही उठापटक, परेशानी, खींचतान की वजह से आप थोड़े से जुड़े हुए रहते हैं, आपका मन खराब रहता है। वैसे तो आप दयालु प्रवृत्ति के इंसान हैं, आप लोगों की मदद हमेशा करना चाहते हैं, लेकिन लगातार मिलने वाले धोखों से, लगातार मिलने वाली परेशानियों से आपका मन इतना खराब हो चुका है कि अब आप ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो आपको करनी नहीं चाहिए। जी हां प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब आपके द्वार पर कोई गाय आई है, कोई कुत्ता आया है, कोई भिखारी आया है, कोई बूढ़ी औरत आई है, तो आपने उसकी मदद नहीं की, उल्टा उसे डांट कर भगा दिया है। जी हां प्यारे दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलती है। आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपने ऐसा अवश्य ही किया है, 100% किया है। यदि आपने ऐसा किया है तो कमेंट में जी हां गुरुजी ऐसा अवश्य लिखें, हमें पता लग जाएगा कि आप हमारे सच्चे सोता है। तो आपने यदि ऐसी गलती की है तो अब आने वाले समय में आपको ऐसी गलती दोहराने नहीं है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आने वाले समय में आपको ऐसी गलती नहीं तो रानी है। जी हां प्यारे दोस्तों, जो भी इंसान आपके पास मदद की उम्मीद लेकर आया है, याद रखिए कि हो सकता है कि वह स्वयं ईश्वर का ही रूप हो और आपकी परीक्षा लेने आया, तो आपको अगर आप उसकी मदद नहीं कर पाते हैं तो उसके साथ कम से कम बुरा बर्ताव तो नहीं करना है, उसका अपमान तो नहीं करना है। जी हां प्यारे दोस्तों, बस आपको इतना सा ध्यान रखना, मेरे द्वारा बताई गई इन पांच आदतों को यदि आप नियंत्रित करते हैं, एकदम से अगर त्याग नहीं पाते हैं, तो आप सच्चे मन से नियंत्रण का भाव भी रखते हैं, तो शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने लगेंगे। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको एक और विशेष बात बताना चाहेंगे जिसे आप ध्यान से समझे, आने वाले समय में आपको कहीं अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आप इन परिणामों को और कई गुना भी वह आ सकती हैं, और इसको बढ़ाने के लिए हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से सुने और अपने अमल में लेकर आएं तो आपको बहुत लाभ होगा। तो ध्यान से सुने, यह उपाय बहुत ही सरल है, कोई बड़ा उपाय नहीं है, लेकिन आपको करना अवश्य है। तो ध्यान से सुने के उपाय क्या है, आपको शुक्रवार के दिन से यह उपाय शुरू करना है। आपको अपने घर के आंगन में चांदी की कटोरी में या फिर मिट्टी के किसी बर्तन में रोज शाम के समय, जब सूर्यास्त समय, कपूर अवश्य जलाना है, घर के बीचों बीच। जी हां प्यारे दोस्तों, याद रखना है, कपूर अवश्य जलाना है और कपूर के धुएं को पूरे घर में फैलने देना है। पंखे वगैरह बंद कर दें ताकि वह धुआं बाहर ना निकले, उसमें को घर में फेर लेते हैं। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। जी हां दोस्त, यह बेहद आवश्यक है। और एक और सबसे शक्तिशाली उपाय की माता दुर्गा के नाम से एक नारियल अपने घर में, पूजा घर में रख ले, लाल कपड़े से, पूरे कपड़े से लपेट कर और 7 बार उसमें कलावा लपेट कर उसे अपनी पूजा घर में माता दुर्गा का रूप मानकर स्थापित कर लें और 21 दिनों तक उसकी पूजा आराधना करें। जब आपकी पूजा आराधना समाप्त हो जाए, 21 दिन पूर्ण हो जाए, तो नजदीकी मां दुर्गा मंदिर में जाकर उस नारियल को दान कर दें। प्यारे दोस्तों, यकीन जानिए, बस आप इन उपायों को कर लेंगे तो आपके ऊपर आने वाली हर एक बल्ला, हर एक बुरी साई या बुरे प्रभाव से आपको मुक्ति प्राप्त होगी।
साथ ही साथ माता दुर्गा की भरपूर कृपा भी आपको प्राप्त होगी। और जब आपके जीवन में खुशहाली वापस आने लगे तो हम आपको सलाह देंगे कि आप माता दुर्गा की पूजा आराधना नित्य करना शुरू कर दें। अपने घर में माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो भी स्थापित कर दें और नित्य माता का पूजन करना शुरू करें। आपके जीवन में कभी भी पूरा समय वापस नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ज्योतिष कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव लेकर लिस्ट, तो यदि आपको ज्योतिष कार्यक्रम में बताएं कि जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय मां दुर्गा पूर्व भक्ति भाव के साथ लिखें, जय शनिदेव भी लिखें और ज्योतिष कार्यक्रम को एक प्यारा सा लाइक भी करें। मिलती हैं अगली ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। अब तक के लिए धन्यवाद।